ये 14 और 15 जून को हाउस में जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक है। जिन मेंबरान ने इसमें नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल की, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल की, वो इस पूरी हाउस की तजहीक है। वो एक साइड से हो, वो दूसरी साइड से हो, इसके खिलाफ कुछ मैंने एक्शन लिया है और कुछ मुझे अपोजिशन की तरफ से राणा तनवीर साहब ने कम्युनिकेट किया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक पार्लिमानी पार्टी बने और वो जो है ना इसका वो करे। तो बेशक आप गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन की तरफ से मुझे अपने अपने नाम दे दें, आपस में तय करें कि इस पूरी प्रोसीडिंग को कैसे चलाना है, इस हाउस को कैसे चलाना है, और जो वाकयात हुई हैं और जो इस वीडियोज में जिसने पार्लिमानी रवायत को मसाह किया है, इसके खिलाफ जो भी पार्लिमानी कमेटी सिफारिशात देगी मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर रूल्स में कोई कमी बेशी है तो रूल्स को भी आप देख ले। इसलिए मैं इजलास तब तक चलाऊंगा जब गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। मैं नहीं चाहता कि इस हाउस में इस किस्म की वाकयात हो जो पूरी दुनिया के लिए वो शर्मनाक हो। इसलिए मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मुझे छह अफराद, ये अपोजिशन भी अपना 6 लोग का नाम दे दे और गवर्नमेंट भी दे दे, वो आपस में बैठ के बात करें जी। मैं हाउस को उस वक्त के लिए एडजर्न करता हूं जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती।